बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 7, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016, और ये हमारे इस अपग्रेडेशन का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर क्या देखेंगे? आज हम इसके अंदर हाइपर वी को देखेंगे। ठीक है, हाइपर वी के अंदर सबसे पहले जो एक नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन, जो उन्होंने एक नया फीचर दिया है, उसको देखेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। और दूसरा, हम पावर शेल डायरेक्ट को देखेंगे कि पावर शेल डायरेक्ट क्या है और किस तरह यूज़ किया जाता है। और शील्डेड वीएम्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसको यूज़ किया किस तरह किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी वही है, वीएमवेयर के अंदर भी वही है, पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अंदर नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक ही है। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का अगर आप सिंपल वर्ड में मीनिंग में आपको बताऊं, तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाइपरवाइजर चल रहा है, आइदर वो वीएमवेयर है, वो हाइपर वी है, वो एक हाइपर वी आपके पास या वीएमवेयर आपके पास चल रहा है, उसके अंदर आपने उस हाइपरवाइजर के अंदर एक वीएम क्रिएट की है। ठीक है, अब उस जो वीएम क्रिएट की है, वो वीएम के अंदर आप हाइपरवाइजर रन करें और उसके अंदर भी वीएम्स को क्रिएट करें। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी स्टार्टिंग में जो हम लैब्स वगैरह करते हैं उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लैब में क्या होता है कि जो आप घर में भी टेस्टिंग करते हैं, आपके पास आपके लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में वीएमवेयर वर्क स्टेशन इंस्टॉल्ड है, जो कि आपकी बेस वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, इस वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर टेस्टिंग के लिए आप एक वीएम बनाते हैं और उस वीएम के अंदर आप हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करते हैं और उस वीएम के अंदर आप डिफरेंट वीएम्स को क्रिएट करते हैं। तो जब आप वीएम क्रिएट करते हैं, हाइपर वी इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन बन जाती है। ठीक है, अगर आप वीएम क्रिएट करते हैं, एस एक्स आई बनाते हैं, तो वो भी एक नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन बन जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि सर्वर 2012 के अंदर इन्होंने नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये अभी आप कह लें कि बहुत हद तक प्रोडक्शन में नहीं है, 2019 में ये प्योरली प्रोडक्शन में आएगा, लेकिन अभी इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, उसका यूज़ बताया है कि वो होता क्या है, यूज़ क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन इज़ वन ऑफ द रियली ग्रेट फीचर दैट इज़ अफोर्डेबल टू टुडे इंटरप्राइज इन्वायरमेंट रनिंग मॉडर्न हाइपरवाइजर। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन इज अ बेसिकली रनिंग अ हाइपरवाइजर विद इन एन अदर हाइपरवाइजर। आप एक हाइपरवाइजर को रन करते हैं और दूसरे हाइपरवाइजर के अंदर रन करते हैं। इन इन द केस ऑफ हाइपर वी, अगर आप हाइपर वी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप विंडोज सर्वर 2016 हाइपर वी के अंदर रोल इंस्टॉल करके एक वीएम क्रिएट करेंगे और उस वीएम के अंदर भी आप हाइपर वी का होस्ट बना सकते हैं, जो कि आपका क्लस्टर, या आप उसको वैसे यूज करना चाहें या उसका क्लस्टर बनाना चाहें, तो आप दोनों केसेस में उसको यूज कर सकते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस टू द एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्टिंग टू द हाइपर वी इंस्टेंस रनिंग इन साइड अ वर्चुअल मशीन ऑन टॉप ऑफ अ होस्ट ऑफ हाइपरवाइजर एनवायरमेंट, द हाइपर वी वर्चुअल मशीन होस्ट विल अपेयर टू बी अ स्टैंड अलोन हाइपर वी होस्ट विद ऑल द कैपेबिलिटी दैट कम अलॉन्ग टू द हाइपर वी फिजिकल होस्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप एक वी एम करिए, जब आप एक फिजिकल सिस्टम पे विंडोज इंस्टॉल करके हाइपर वी इंस्टॉल कर देते हैं, तो आपको हाइपर वी का जो सर्वर है वो नजर आता है, आप उसके ऊपर जो मर्जी कर सकते हैं, वीएम्स क्रिएट करें, जो मर्जी करें। अब आपने उसी के ऊपर एक वीएम क्रिएट की, ठीक है, और उस वीएम के अंदर आपने एक हाइपर वी इंस्टॉल कर दिया। अब जो उस वीएम के अंदर हाइपर वी है, वो भी आपका वैसा ही है जैसा कि वो फिजिकल सर्वर पे हाइपर वी इंस्टॉल किया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फीचर है, सेम सब कुछ है। कॉन्सेप्ट इसका सिंपल इजी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस इमेज को गौर से देखें, तो इस इमेज के अंदर नीचे आपके पास विंडोज सर्वर 2016 आ रहा है, ठीक है, हाइपर वी होस्ट फिजिकल, उसके ऊपर उन्होंने तीन वीएम्स क्रिएट की हुई हैं हमने, ठीक है, फर्स्ट वीएम, सेकंड वीएम, थर्ड वीएम। जो थर्ड वीएम है उसके अंदर मैंने हाइपर वी दोबारा इंस्टॉल किया हुआ है उसका फीचर, और उस हाइपर वी के ऊपर मैंने एक वीएम क्रिएट की हुई है। तो ये क्या हो गया, मेरी एक सेकंड लेयर बन गई हाइपर वी के अंदर एक और हाइपर वी की, जिसको हम नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा, अच्छा, इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स क्या हैं कि आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप हाइपर वी चला रहे हैं और जो गेस्ट अंदर बना रहे हैं हाइपर वी के लिए, दोनों विंडो सर्वर 2016 या 10 हो विद एनिवर्सरी अपडेट्स और लेटर, मतलब अप टू डेट हो, इनका बिल्ड नंबर अप टू डेट हो, इसकी आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कंपेटिबिलिटी लिस्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस जो आप वीएम क्रिएट करने जा रहे हैं, उस वीएम का वर्जन 8.0 हो
और आपके प्रोसेसर में VTX और EPT टेक्नोलॉजी नेस्टिंग इज करंटली इज इंटेल ओनली। ये इनेबल हो क्योंकि इन्होंने नेस्टेड विजुअलाइजेशन इंटेल में है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास दो प्रोसेसर होते हैं, इंटेल और AMD। AMD के अंदर जो लोग AMD यूज कर रहे हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, वो लोग इसको नहीं यूज कर सकते। जो इंटेल यूज कर रहे हैं उनके लिए नेस्टेड विजुअलाइजेशन अभी है और वो इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक और चीज प्री रेक्विजिट में आती है, वो है कि आपकी जो VM है उसकी जो जनरेशन है वो 2 होनी चाहिए। जनरेशन 2 की जो VM होगी आप उसी को ही हाइपर वी होस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे जब लैब करेंगे कि जनरेशन 2 की VM को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके बाद जो की कॉन्सेप्ट है वो है पावर शेल डायरेक्ट। पावर शेल डायरेक्ट क्या है? पावर शेल डायरेक्ट सिंपल वर्ड्स में ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आपके पास हाइपर वी इंस्टॉलर और हाइपर वी के अंदर आपके पास 5-6 VMs हैं, 8-10 हैं, डिफरेंट VMs हैं, और आप एक होस्ट मशीन पे बैठे हुए हैं, होस्ट मशीन पे बैठे हुए हैं या आप अपने विंडोज 10 के कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, और अब आप चाहते हैं कि अब आप दो तरीके होते हैं, आपको पता है कि वीएम को किसी भी विंडोज को मैनेज करने के लिए या तो आप फिजिकली उस पर जाएं या उसका RDP कर लें या फिर थर्ड पार्टी जो टूल आते हैं आप वो यूज कर लें। तीसरा जो तरीका है जो माइक्रोसॉफ्ट ने अब दिया है वो है पावर शेल डायरेक्ट। पावर शेल डायरेक्ट क्या करता है? वो ये कहता है कि आप किसी भी वीएम को होस्ट पे बैठे हुए उसका नाम दें, PS सेशन क्रिएट करें, ठीक है, एंटर सच एज कमांड एज की एंटर PS सेशन, अगर VM का नाम दें तो आप उस VM से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि हम इसके सिंपल मिसाल SSH है। जैसे हम डिफरेंट मशीन्स को SSH करते हैं, लाइनक्स की मशीनें हैं, हम उनके रूट पे अगर ना बैठे हों तो हम रिमोटली उनको SSH कर लेते हैं और हमारे पास सेम कैपेबिलिटी सेम कंट्रोल आ जाता है। इसी तरह अगर आपने पावर शेल से काम करना है तो आप उनको पावर शेल के जरिए पावर शेल डायरेक्ट यूज करते हुए उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट सेशन बनाए यूजिंग PS सेशन कमांड। दूसरा ये है कि कोई स्क्रिप्ट आप चला लें जिसके अंदर इनवोक कमांड्स होती हैं, कमांडलेट, और वो स्क्रिप्ट जब चलेगी तो आपके पास एक शॉर्टकट बन जाएगा, जब भी आप उस शॉर्टकट को ओपन करेंगे तो आपकी VM कनेक्ट हो जाया करेंगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके अभी देखते हैं लैब में कि पावर शेल डायरेक्ट कैसे काम करता है। तीसरी चीज शील्डेड VMs। शील्डेड VM इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी मैं आपको देखें ये जो लिखा हुआ है ये तो ये है कि कुछ मैंने लिखा है, कुछ मैंने इंटरनेट की जो अच्छी वर्डिंग है वो कॉपी की है, ठीक है, कुछ किसी ऑर्थर की मैंने जो बुक्स हैं उनसे लिया है, लेकिन लेकिन अगर मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाना चाहूँ शील्डेड VMs का कॉन्सेप्ट, वो सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके पास जब वर्चुअलाइजेशन में हम आते हैं तो आपका डाटा अनसिक्योर हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है? फॉर एग्जांपल आप एक मिसाल लें, अगर मैं आपको यहाँ, अगर मेरे पास एक मिनट, यहीं चलें, यहाँ कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मिसाल लेता हूँ कि ये आपका फिजिकल सर्वर है, ठीक है। इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं दो, ठीक है, और अभी हम विर्चुअलाइजेशन में नहीं है और यहाँ मैंने विंडोज इंस्टॉल करके डिफरेंट काम करता हूँ। अब क्या होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल हैकर्स हैं या कोई बंदा है जिसने मेरे सिस्टम्स की इन ड्राइव्स को एक्सेस करनी है या वो चाहता है कि मैं ड्राइव्स को यूज करूं, तो उसको क्या करेगा, उसको क्या करना होगा कि उसको इस सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करना होगा। लॉग इन कैसे करेगा? वो RDP करेगा, उसके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा तो ही लॉग इन करेगा, ठीक है। और अगर उसके पास यूजर नेम पासवर्ड है भी, ठीक है, और मेरे पास यहाँ एक और मशीन है, यहाँ एक और मशीन है, मेरे पास तीन मशीन है और उसके पास इसका यूजर नेम पासवर्ड है, तो ऑब्वियसली वो इसमें एंटर हो जाएगा और तमाम मेरा डाटा को एक्सेस करके कॉपी कर लेगा USB स्टिक में और ले जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर एंड वो मेरे दूसरे सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है, उसको मैंने एक्सेस ही सिर्फ सिंपल एक सर्वर का दिया हुआ है। तो ये तो फिजिकल इन्वायरमेंट की मिसाल हो गई, ठीक है। लेकिन जब हम VMware की बात करते हैं तो VMware में मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरा होस्ट है, ये मेरा हाइपर वी होस्ट है, ठीक है, इसको मैं हाइपर वी कहूंगा, ठीक है, हाइपर वी होस्ट है। हाइपर वी के अंदर, इसके अंदर एक OS इंस्टॉल्ड है, OS की लेयर, ठीक है, सर्वर 2012, और उसके बाद मेरी यहाँ VMs पड़ी हुई हैं, इसके अंदर मेरी तीन, सॉरी ये क्या हो गया, मेरी इसके अंदर तीन VMs हैं, ठीक है, तीन या चार जितनी भी आप बनाना चाहें, आप जितनी भी VMs हैं आपकी सारी मौजूद है। और आपको पता होगा जब भी हम हाइपर वी में VM बनाते हैं तो उसकी एक VHD बनती है, ठीक है, जो कि इसी लोकल सर्वर की डी ड्राइव में पड़ी होती है।
अब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे तमाम सर्वर्स की जो डेटा ड्राइव है जो उनके अंदर माउंट हुई हुई है, वो मेरी डी ड्राइव में यहाँ लाए कर रही है, यहाँ पड़ी हुई है। अब इस केस में क्या है कि एक जो हैकर है वो आता है, वो यहां से इस कंप्यूटर पे लॉगिन करता है, यहां मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है हाइपर वी का, वो इसमें लॉगिन कर लेता है। तो उसके पास एक्सेस तो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, उसके पास पासवर्ड नहीं है इनके लॉगिन करने के, लेकिन उसके पास हाइपर वी का पासवर्ड आ गया, यूज कर सकता है वो। अब वो इन वीएम्स में तो लॉगिन नहीं कर सकता, लेकिन वो इस हाइपर वी में लॉगिन कर सकता है। जब वो इस हाइपर वी में लॉगिन कर सकता है, मींस वो इनकी तमाम वीएचडीज को एक्सेस कर सकता है। वो करेगा, वो इन तमाम इन वीएचडीज को कॉपी कर लेगा यूएसबी स्टिक के अंदर और ले जाएगा, और इनको किसी भी वीएम के अंदर जब माउंट करेगा तो उसको सेम अमाउंट ऑफ डाटा मिलेगा जो कि मेरे इन सर्वर्स में मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है हमारे नेटवर्क में। तो इस केस में क्या है, इस केस में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि शील्डेड वीएम का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब देखते हैं शील्डेड वीएम्स क्या है। शील्डेड वीएम्स क्या कहता है कि वी शील्डेड वीएम्स इज अ सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस इन सर्वर 2016। इट प्रोटेक्ट हाइपर वी सेकेंड जनरेशन वीएम फ्रॉम एक्सेस और टेम्परिंग बाई यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक सिक्योर बूट, बिट लॉकर, इनक्रिप्शन, टीपीएम, ठीक है, एंड होस्ट गार्डियंस। वो कहता है कि ये वीएम्स को सिक्योर करता है कम्बिनेशन के जरिए, सिक्योर बूट के जरिए, बिट लॉकर के जरिए, टीपीएम के जरिए और होस्ट गार्डियन सर्विस के जरिए। इन सारों को कंबाइन करते हुए वो आपकी वीएम्स को सिक्योर करता है। कैसे? सिंस अ वर्चुअल मशीन इज अ फाइल इन टर्म ऑफ स्टोरिंग इन स्टोरेज। जब मेरे स्टोरेज में वो सेव हो रही है तो वो एक फाइल के तौर पे सेव हो रही है ना, वीएचडी एक फाइल है जो कि अंदर सी है और अंदर डी है, वो उससे कोई कंसेप्ट नहीं है। इट हैज टू बी सेफगार्ड अगेंस्ट अटैक वाया स्टोरेज सिस्टम द नेटवर्क और वाइल इट्स इज बैकअप। तो मुझे इसको बैकअप लेना है। शील्डेड वीएम बूट फ्रॉम विंडोज यूनिफाइड एक्सटेंसिबल सॉरी फर्मवेयर इंटरफेस एज अपोज्ड टू अ ट्रेडिशनल बायोस। ट्रेडिशनल बायोस की जगह ये यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क इंटरफेस के जरिए यूईएफआई के जरिए बूट करता है, प्रोवाइडिंग सिक्योर बूट पार्टीशन, इनेबलिंग बिट लॉकर वाइल वीएम्स डिस्क, द बिट लॉकर इंक्रिप्शन, हैंडल प्रोटेक्शन एंड डाटा बोथ एट द रेस्ट एंड व्हेन एंड बीइंग ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क यूजिंग लाइव माइग्रेशन। तो कहता है कि शील्डेड वीएम क्या करती है, शील्डेड वीएम्स आपकी उस ड्राइव को जो कि वीएचडीज होती है उसको ये सिक्योर कर देती है। सिक्योर इन अ सेंस करती है कि वो ड्राइव अब आप अगर कॉपी भी कर लें तो वो इनक्रिप्टेड होगी। किसी वीएम में अटैच कर दें, वीएम बूट नहीं होगी, पूरी वीएम डाउनलोड करके वहां ऑन कर दें, नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ कीज उन्होंने लगा दी हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं यूजिंग इनक्रिप्शन एंड अदर मेथड। काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वीएम है VM01। VM01 यूजर रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने राइट क्लिक किया, वीएम को स्टार्ट किया, ठीक है। जब वीएम को स्टार्ट करेगा तो होस्ट सेंड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन। तो वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि जो होस्ट इस वीएम को ऑन कर रहा है क्या वो ऑथराइज्ड भी है, कि जब इसको शील्ड किया गया था क्या यही वो होस्ट था जिसने इसको शील्ड किया था, इसको सिक्योर किया था, बिट लॉकर किया था। अगर तो ये सेम होस्ट है, सेम हार्डवेयर आईडीज हैं, तो वो इसको सक्सेस कर देगा। अगर नहीं है तो आपकी यही फेल हो जाएगी। वो सर्टिफिकेट इसको भेजता है और फिर सर्टिफिकेट एक इशू होता है जो कि हमारे सर्वर को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट के अगेंस्ट दूसरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक की रिक्वेस्ट करता है। अब वो की आपका जो सर्वर होता है वो की को वेरीफाई करता है और उसकी की को रिलीज कर देता है। जब की रिलीज होती है, इसके पास आती है, तो वीएम आपकी अनलॉक होती है। जब वीएम आपकी अनलॉक होगी तब आपकी वीएम पावर ऑन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये हर स्टेप पे मशीन की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करता है कि जो होस्ट इसको ऑन कर रहा है क्या ये उसी होस्ट की मशीन है, प्लस जो वीएचडी को ये ओपन कर रहा है वो इनक्रिप्टेड तो नहीं है, और क्या फर्क है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी लैब के अंदर। लैब से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि शील्डेड वीएम डिफेंस क्या है और अटैकर्स क्या है। मलिशियस एडमिन स्टील वीएचडीज को कॉपी कर ले, मलिशियस अटैक इज अ डीबगर टू हाइपर वी, हाइपर वी होस्ट के ऊपर अटैक हो जाए, मेलवेयर इंजेक्ट कर दे कोई, ठीक है, हाइपर वी की जो टेम्पलेट
बनाई हुई है। जिस तरह टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक वीएम टेम्पलेट से आप 100 वीएम्स, 200 वीएम्स, 10 वीएम जितनी आप चाहें बना सकते हैं। तो अगर आपकी वो टेम्पलेट ही करप्ट हो जाए तो ऑब्वियसली इसको तमाम उस टेम्पलेट से जितनी वीएम्स बनेंगी फ्यूचर में उसके ऊपर उसको एक्सेस होगी। ठीक है, मलिशियस एडमिन अटेम्प्ट्स टू मूव अ शील्डेड वीएम टू रन एन अनट्रस्टेड होस्ट। कि मलिशियस मतलब मैं अगर अपनी कंपनी का एड बनूँ, मेरी कंपनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरी डाटा बेस चल रही है, ठीक है, मैंने किया, मैंने उस डाटा बेस को कुछ फाइल्स कॉपी करनी है। फॉर एग्जाम्पल एडी चल रही है मेरी, आपको पता है कि एडी की तमाम इन्फॉर्मेशन NTDS.DIT फाइल में होती है। ठीक है, NTDS.DIT फाइल है मेरी, एडी हाइपर वी पे थी। ठीक है, मैंने क्या किया जी, मैंने उस हाइपर वी के ऊपर से उसकी जो VHD थी उसको एक्सेस किया और NTDS.DIT को कॉपी करके अपने घर ले गया। घर ले जाके मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट से कुछ टूल्स वगैरह डाउनलोड किए जो कि अवेलेबल होते हैं, डाउनलोड किए और मैंने इस फाइल को डिक्रिप्ट किया। और इस फाइल से मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, तमाम यूजर्स और उनके पासवर्ड मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तमाम यूजर और उनके पासवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। अब वो जो तमाम यूजर और पासवर्ड मेरे पास आ जाएंगे उसको सिक्योर कौन करेगा? तो इसी केस में ये एक, हालांकि एडमन हूं मैं, लेकिन ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है जो आपके आप एडमन पे भी बिलीव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाते हैं और अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं जिसकी तरफ दुनिया मूव हो रही है, तो ये सब उसी की तैयारी हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कभी भी आप अपनी वीएम को शील्ड के बगैर नहीं रखते। शील्ड के बगैर जहां आपने रखा, इसका मतलब कि जो वहां उस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं आप उनको तो ट्रस्ट नहीं करते ना, आप अपनी कंपनी के लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो। जो वहां लोग काम कर रहे हैं वो आपकी वीएम की उस फाइल को एक्सेस करके अगर अपने घर ले जाएं और वहां से हैकर्स को डाटा सेल कर दें तो कौन जिम्मेदार है? नोबडी। तो वहां क्लाउड्स के केस में सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो क्लाउड के केस में आप मेक श्योर करें कि आपके पास NTDS.DIT मतलब सॉरी शील्डेड वीएम्स का कॉन्सेप्ट और आप उसको यूज कर रहे हैं और आपकी तमाम वीएम सिक्योर हो। शील्डेड वीएम ड्राइव को इनक्रिप्ट करती हैं, होस्ट गार्डियन रिलीज नहीं करता, सॉफ्टवेयर कर्नल, शील्डेड वीएम आर डिप्लॉय फ्रॉम टेम्पलेट डिस्क, द मैच नॉन हेल्दी वंस, ये टेम्पलेट चेक करता है हेल्दी है कि नहीं, ट्रस्ट होट एडिड इन द यूएस होस्ट गार्ड आप ऐड कर सकते हैं और उसी के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं लैब में। लैब में सबसे पहले हम अपना हाइपर वी इंस्टॉल करेंगे। हाइपर वी मेरे पास सॉरी होस्ट पे इंस्टॉल्ड है, हम एक वीएम बनाएंगे और उस वीएम पे हाइपर वी इंस्टॉल करेंगे, प्लस हम शील्डेड वीएम्स को देखेंगे और थर्ड हम सॉरी सेकंड हम पावर शेल डायरेक्ट को देखेंगे और थर्ड हम शील्डेड वीएम्स को देखेंगे। ठीक है, ओके गाइस, लैब में आ चुके हैं। लैब में आने से सबसे पहला का काम करते हैं, मेरे पास एक जो वीएम है जो हमने पहले क्रिएट की हुई थी, मैं उसको टर्न ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम इसको, अच्छा ये मेरी वीएम है, इसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया। सबसे पहले क्या हम काम करते हैं, अगर मुझे आप अपनी होस्ट की जो वीएम है आप उसकी रैम इंक्रीज कर लें। रैम इंक्रीज 4 GB है, ठीक है, 4 GB इज इनफ। ठीक है, अच्छा 4 GB इसकी रैम है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर न्यू वर्चुअल मशीन बनानी है। ठीक है, वर्चुअल मशीन का करूंगा सबसे पहले मैं, देखें हाइपर वी में बना रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे यहाँ एक मैं नाम दूंगा हाइपर वी। ठीक है, वीएम का नाम दे दिया मैंने, यहाँ ये स्टोर होगी इसकी फाइल। ठीक है, नेक्स्ट करूंगा Gen2 रखनी है। ठीक है, Gen2 में क्या है कि आपकी शील्डेड वीएम्स भी आ जाती हैं और हाइपर वी की नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन भी इसके अंदर आती है, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो वीएम है वो Gen2 है। ठीक है, नेक्स्ट करें, वीएम को मेमोरी दें, फॉर एग्जाम्पल 2048, 2 GB मैं इसको मेमोरी दे देता हूँ। नेटवर्क कार्ड इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कनेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, बल्कि एक्सटर्नल कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से ये न्यू ड्राइव इसकी बनेगी। ठीक है, और मैं फॉर एग्जांपल इसको 20 GB देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे 20 GB से ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ओके, अवेलेबल है, ठीक है, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अब देखिए मैंने सिंपल एक वीएम बनाई है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर क्या कहते हैं उसे, वीएम के अंदर मैं सर्वर 2016 इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने से पहले मुझे एक कमांड है जो अपने पावर शेल में चलानी होगी। ये कमांड आप इंस्टॉल करने के बाद भी चला सकते हैं, लेकिन इस कमांड के बगैर आपकी जो वीएम है आपकी हाइपर वी, इसके अंदर आपका हाइपर वी का रोल इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, कमांड क्या है, कमांड है सेट वीएम प्रोसेसर
इस वीएम का जो प्रोसेसर है उसको सेट करो, आगे वीएम का नेम दो, ठीक है। वीएम नेम फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइपर वी, एक्सपोज वर्चुअलाइजेशन एक्सटेंशन, के वर्चुअलाइजेशन की जो एक्सटेंशन है कि उसको एक्सपोज कर दो कि वो इस मतलब इनसाइड द वीएम भी जा सके। आपने ये कमांड चलानी है, ठीक है, मेक श्योर करें आप ये कमांड चला दें। अब ये कमांड चल गई है। दूसरी जो कमांड है वो है आपकी इसके मैक एड्रेस की, मैक एड्रेस स्पूफिंग। वो है करेगी कि फॉर एग्जांपल मतलब मैक एड्रेस स्पूफिंग ये है कि जो स्पूफिंग क्या होती है कि जो कंपनी का ओरिजिनल मैक एड्रेस है आप वो यूज नहीं करते, आप उसकी जगह उसको स्पूफ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और इसका जो खुद से रखा होता है वो यूज करते हैं। ये कमांड क्यों चलानी है, क्योंकि मेरी जितनी भी अब वीएम्स इस हाइपर वी के अंदर बनेंगी वो इस फिजिकल का मैक मैक यूज करेंगी, तो इसलिए मुझे मेक श्योर करना है कि मैं मैक एड्रेस स्पूफिंग ऑन कर दूं ताकि मेरी वीएम्स जो अंदर क्रिएट होंगी उनके नेटवर्किंग में उनको कोई भी परेशानी ना हो, उनकी नेटवर्किंग क्रिएट करते हुए उनको बात करते हुए। कमांड क्या थी, गेट वीएम नेटवर्क अडॉप्टर, अडॉप्टर को गेट करो हाइपर वी के, सेट वीएम नेटवर्क अडॉप्टर मैक एड्रेस स्पूफिंग ऑन, दैट्स इट। ये कमांड चला दी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं ये दो कमांड चलाने के बाद। अब मैं सिंपल इसके ऊपर इसकी सेटिंग में जाके इसके ऊपर कॉपी करूंगा पहले अपना, एक मिनट, मुझे आईएसओ चाहिए अपना, ठीक है, क्योंकि मैंने अब इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और आई बिलीव डाटा में है, ये सर्वर 2016 मेरे पास पड़ा हुआ है, डाटा सेंटर वैल्यूएशन रिफ्रेश, ठीक है। मैं ये इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा। तो मैंने सिंपल है करना है, मैंने इस हाइपर वी के अंदर इसको माउंट कर देना है, और माउंट करने के बाद मैंने इसके अंदर अपनी जो क्या कहते हैं उसको इंस्टॉलेशन कर देनी है सर्वर 2016 की। जैसे ही सर्वर 2016 की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है हम कंटिन्यू करेंगे इधर से ही, ओके। तो मैं इस कॉपी हो गया, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूं कि इसमें ऐड कैसे करते हैं। आप स्कसी कंट्रोलर में जाएंगे, डीवीडी ड्राइव को ऐड करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, और यहाँ जो हमने इमेज कॉपी की है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं इस वीएम को कनेक्ट करके स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इट विल मेक श्योर कि 2 GB रैम जो है वो अवेलेबल हो, और 2.9 यूज हो रही है, 2.9, ओके। ठीक है, अब इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको अगर ओहो ठीक है, फर्मवेयर, ठीक है, बूट फ्रॉम दिस, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी ताकि आपका डायरेक्ट बूट ही आपकी वीएम से हो। मैं इसको टर्न ऑफ कर रहा हूँ, सेटिंग में जा रहा हूँ, फर्मवेयर में जा रहा हूँ, और कह रहा हूँ सिलेक्ट एन बूट ऑर्डर, इसको मैं सीडी को सबसे ऊपर लेके जा रहा हूँ और ड्राइव को सबसे नीचे, और उसके बाद इसको ओके कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। तो अब ये मेरा बूट जो मैंने आईएसओ लगाया है उससे ले लेगा, ठीक है, और अब मेरी विंडो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और चलें, जब ये इंस्टॉलेशन इसी कंप्लीट होती है फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, विंडोज़ मेरी इंस्टॉल हो गई है इसके अंदर, ठीक है। अब विंडो इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला मैं काम, ये देखें हाइपर वी वही है, मैं व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और फुल स्क्रीन मोड कर रहा हूँ। फुल स्क्रीन इसलिए मैंने किया ताकि ज़रा जो मेरा व्यू है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब देखें कि इस वीएम का जो नाम है वो है जी, अगर मैं सॉरी
इंस्टॉलेशन है ये विन 37, जो भी इसने इसको नाम दिया है अजीबो गरीब। ठीक है, एक ये चीज़ देखें, और दूसरा हमने यहाँ करना है, अब हमने इसके अंदर हाइपर वी रोल इंस्टॉल करना है। मैं ऐड रोल्स एंड फीचर में जाऊँगा, वीएम के अंदर हूँ मैं, ठीक है, और नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ये देखें इस वीएम का नाम दे रहा है, इसका आईपी दे रहा है, नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ मैं हाइपर वी रोल को सिलेक्ट करके ऐड फीचर्स करके इसको नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, डेडिकेट करना चाहूँ डेडिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं कोई डेडिकेट नहीं कर रहा, ये सिंपल वही सेटिंग है जो आप माइग्रेशन जो आप हाइपर वी के अंदर करते आ रहे हैं हम शुरू से। ठीक है, सिंपल इंस्टॉल। अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके अंदर आपके पास आपको नज़र आएगा कि आपका क्या कहते हैं उसको, हाइपर वी इंस्टॉल हो गया है, और हम इसको मैनेज करते हैं। तो ये रिस्टार्ट होगा तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जैसे ये रिस्टार्ट होकर वापस आता है तो फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि हम वीएम भी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ओके, तो ये रीइंस्टॉल होकर वापस आ गया है। अब हम इसमें लॉगिन करते हैं, और मैंने ये थोड़ा स्मॉल इसलिए कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि शायद हम बेस ओएस भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने हाइपर वी ऑन DCO1 किया है, और मैंने इस टाइम हाइपर वी जो ये मेरी वीएम है उसका कंसोल ओपन किया हुआ है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसके स्टार्ट में जाऊँ यहाँ, तो आप देख सकेंगे कि मेरे पास एक हाइपर वी एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अंदर हाइपर वी जो है वो इंस्टॉल हो गया होगा, नहीं बल्कि अभी हो रहा होगा, सॉरी, क्योंकि वो पोस्ट इंस्टॉलेशन भी करता है। तो एक मिनट, ये ओपन होगा और अभी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। ओके, अगर हम नोटिफिकेशंस में देखें तो अभी भी हमें नज़र आ जाएगा ये। ओके, तो इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गई है इसके ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, और अब अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन टूल के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ हाइपर वी मैनेजर का जो है मैनेजर नज़र आ रहा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा ये सर्वर दिखा रहा है। ठीक है, और अब इसके ऊपर वही सेम मैं वर्चुअल मशीन्स बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो भी मैं क्रिएट करना चाहूँ, मैं ABC SS नाम दे के Generation 1 स्पीडी मैं बना रहा हूँ अभी, जस्ट टू मेक श्योर कि ये क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, हमारी नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पावर शेल डायरेक्ट का बता दूं, पावर शेल डायरेक्ट के बताने से साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा दूं। अगर मैं इस वीएम के माय कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अंदर फॉर एग्जांपल, अभी सिंपल एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं इनसाइड वीएम के नाम से, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा इसको मैं। अच्छा, पावर शेल डायरेक्ट क्या है, तब तक ये भी क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इस होस्ट पे अवेलेबल हूँ, इस होस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे इस हाइपर वी को इस वीएम को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब इसको जब मैंने कनेक्ट करना है तो मैं पावर शेल के जरिए कनेक्ट करूंगा। एक तो तरीका मेरे पास ये है, मैं RDP करूं इस पूरे होस्ट को, ठीक है, और होस्ट को RDP करूं, और दूसरा तरीका ये है मैं कॉन्सोल में जाऊं और यहां जाके पावर शेल ओपन करूं और फिर उस पर काम करूं। अच्छा, ये एक VM के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ 10, 15, 20 VM और मुझे डिफरेंट VMs पे डिफरेंट टाइम पे काम करना हो तो मैं क्या करूंगा? तो उस केस में मेरे पास पावर शेल मौजूद है मेरे बेस्ड ओएस पे, ठीक है, इस सर्वर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं होस्ट नेम देख रहा हूं तो DCO1 पे हूं अभी मैं। ठीक है, अब DCO1 से मैंने किसी भी वीएम के अंदर पावर शेल डायरेक्ट को कनेक्ट करना है, मतलब अंदर किसी भी हाइपर वी का SSH, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं अगर आप फेमिलियर हैं उससे, तो कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मेरी जो कमांड है, ठीक है, सबसे पहली कमांड मेरी क्या है, एंटर PS सेशन। ठीक है, एंटर PS सेशन आपने लिखना है, वीएम नेम का स्विच लगाना है, ठीक है, वीएम नेम स्विच लगाना है, और यहाँ आपने अपनी वीएम वेयर का नाम देना है।
ये जो नाम मैं दे रहा हूं यहाँ हाइपर वी, ये जो नाम है ये मेरी वीएम का नाम है, वीएम के होस्ट नेम का नाम, होस्ट नेम नहीं है ये नेम है जिस नाम से वीएम क्रिएट हुई हुई है, क्योंकि मैं हाइपर वी के ऊपर ही हूँ, तो इसलिए मुझे सिंपल इसका नाम देना है। तो मैं अगर इसका नाम दूंगा, एंटर करूंगा, तो देखें यहाँ मुझसे क्रेडेंशियल पूछ रहा है। ये क्रेडेंशियल मेरे इस हाइपर वी होस्ट के हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं। मैंने अभी इसको डोमेन पे नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने इसके अंदर एक लोकल जो स्टार्ट में बनता है एडमिनिस्ट्रेटर वही है, और ये उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे रहा हूँ। नाउ इट विल, पासवर्ड गलत है शायद, द क्रेडेंशियल इज इनवैलिड, नो वे, एंटर पी एफ सेशन। हाँ लगता है अब मैंने पासवर्ड सही दिया है। तो ये क्या करेगा, यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करेगा, जैसा कि मैंने गलत दिया तो इसने मेरा सेशन नहीं क्रिएट किया, ये यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करेगा और मेरा सेशन इस हाइपर वी के अंदर एज आ वो बना देगा पावर शेल। अब देखिए मैं अब इस हाइपर वी, ये स्टार्ट में देखें हाइपर वी, अब मैं इस हाइपर वी के अंदर हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ मैं इसका होस्ट नेम, पहले देखें डीसी वन आया था, अब अगर मैं होस्ट नेम करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, इस वीएम का नाम, हमने जो फोल्डर बनाया था उसमें चले जाते हैं, सीडी सीडी बैक स्लैश सी में आ गया, और सी के अंदर डीआईआर करूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि इनसाइड वीएम का जो फोल्डर जो मैंने ओहो इस वीएम के अंदर क्रिएट किया था, ये वीएम भी मेरी क्रिएट हो गई है तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो जो इस वीएम के अंदर मैंने इनसाइड वीएम का जो फोल्डर है वो क्रिएट किया था, तो ये वो मुझे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मैं अपने होस्ट मशीन पे बैठ के अपनी तमाम वीएम्स को पावर शेल डायरेक्ट करते हुए उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल इस वीएम को भी क्या कहते हैं, शट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट शील्डेड वीएम्स को देखते हैं कि शील्डेड वीएम्स क्या है। अभी मैंने हाइपर वी की इस वीएम को बंद कर दिया, ठीक है। ओके अब ये जो मेरा सेशन है इसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ, इसको भी एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि हाइपर वी मेरे पास ये है, अब इस हाइपर वी की जो वीएचडी है वो कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, वो मेरी सी के अंदर, इसके अंदर हाइपर वी के अंदर, अच्छा इसके अंदर से देख लेते हैं, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाएं आप अपनी हार्ड ड्राइव पे जाएं तो ये उसका वो पाथ दे रहा है जो कि मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। अब देखें सी के अंदर यूजर्स पब्लिक डॉक्यूमेंट हाइपर वी वर्चुअल मशीन के अंदर हाइपर वी की ये मेरी हार्ड ड्राइव इमेज फाइल पड़ी हुई है जिस जो कि मेरे पास उस होस्ट में कनेक्टेड है। अब मैं करता हूँ मैं सिंपल, अब देखें ये फाइल किसी ने कॉपी कर ली, जो बात कर रहा था ये फाइल किसी ने कॉपी कर ली, उसके पास पासवर्ड नहीं है, उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है आपकी वीएम की, सिंपल उसके पास ये फाइल है, तो वो क्या करेगा, वो ऑप्शन सॉरी अटैच वीएचडीज में जाएगा, ब्राउज करेगा। अब सिंपल मैं आपको दिखा दूं तो ये VHD अटैच करेगा, मतलब सिंपल उसने कॉपी किया अपने घर ले गया, उसके पास आपके होस्ट का कोई भी पासवर्ड नहीं था, हाइपर वी का था, तो उसने तमाम VMs की VHDs कॉपी की, घर गया इस तरह अटैच की, ओपन की, तो आप देख लें उसके पास तमाम होस्ट आ गया जो भी उसके अंदर हार्ड ड्राइव्स थी, ठीक है, उसी तरह उसके पास एक्सेस है, सब कुछ है। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है। इस फ्लॉ के जरिए क्या होता है कि आपकी मतलब मलिशियस एडमिन और हैकिंग बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, देखें ये सिंपल मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, जो चाहे इसको यूज़ कर सकता हूँ, एक ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मैं CMD में जाऊँ, ठीक है, मतलब अटैच कर ली, इसको ब्राउज कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कहते हैं उसे सीडी बैक स्लैश डिस्क लिस्ट, ओ सॉरी डिस्क पार्ट चलाता हूँ, डिस्क पार्ट में मैं लिस्ट डिस्क करता हूँ, मेरे पास दो डिस्क आ रही हैं, एक 20 GB, मैं सेलेक्ट डिस्क वन करता हूँ, ठीक है, मैं डिस्क वन पे आ गया हूँ। अब मैं इसकी डायरेक्टरीज देख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्लीन कर सकता हूँ, एक्टिव कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहूँगा, कि मैंने डिस्क को एक्सेस कर लिया है, या मैं CD E बैक स्लैश ओ सॉरी CD
ई ओहो हेल इज हैपनिंग, एक मिनट, ई ही है। बहरहाल मतलब यहाँ से मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ कुछ, इसमें मैं कमांड शायद मैं गलत लिख रहा हूँ क्योंकि जेन में नहीं है। सीरी ई नहीं, शायद ये भी नहीं है, भूल गई, मेरे जेन में नहीं है। तो बहरहाल मैं डिस्क का पार्ट से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, सीडी रोम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इस पूरी जो मेरी हाइपर वी की जो मैंने वीएम क्रिएट की थी इतनी मेहनत से, उसके अंदर मैंने डाटा रखा था, वो सारा यहाँ एक्सेसिबल एक्सपोज है। इसको कोई भी कॉपी करके अपने घर ले जाए और उसको एक्सेस कर सकता है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं अभी इसको डिटैच कर देता हूँ यहाँ से ताकि मैं इसको यूज़ ना कर सकूँ ज़्यादा। अब देखें, अब ये जो फाइल है इसका मतलब ये मेरी एक्सपोज है, कोई भी इसको कॉपी करेगा यूज़ करेगा तो मेरा मेरा जो मतलब हाइपर वी, अगर मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी किया हुआ तो वो मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अगर आप राइट क्लिक करें, इसकी सेटिंग्स में जाएं, तो आपको एक छोटा सा बार नज़र आ रहा होगा सिक्योरिटी का। अगर आप इस पर देखें तो आपके पास नज़र आ रहा होगा इनेबल सिक्योर बूट। सबसे पहले उसने इनेबल सिक्योर बूट देखना है, इनेबल टीपीएम मॉड्यूल, ये क्या करेगा, ये इनक्रिप्शन करेगा, ठीक है। और ये है इनेबल शील्डिंग। अगर आप इनेबल शील्डिंग कर देंगे तो ये तमाम ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि ग्रेड आउट हो गए। क्यों? क्योंकि ये तमाम ऑप्शन ये यूज़ कर रहा है खुद ही इटसेल्फ बैक एंड पे। अगर आप एक फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्योर बूट करना चाहते हैं कि सिर्फ बूटिंग में सिक्योर हो, सिंपल इस हाइपर वी से बूट हो रही हो तो वेरीफाई करें किसी और हाइपर वी में बूट ना हो, वो देख लेगा, लेकिन वी एच डी कॉपी करके कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। इनेबल टीपीएम करेंगे तो ये इंक्रिप्शन कर देगा, ठीक है, इनक्रिप्ट कर देगा फाइल को, जिस तरह हम बिट लॉकर वगैरह देखते हैं उस तरह इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम इनेबल शील्डिंग करते हैं तो ये इनेबल इसको सिक्योर भी करेगा, बिट लॉकर से इनक्रिप्ट भी करेगा, इसको हार्ड इसको मलिशियस सॉफ्टवेयर से भी सिक्योर करेगा, और प्लस एक और काम करेगा, इसका कंसोल भी गायब कर देगा, ठीक है। अभी मैं इनेबल शील्डिंग कर रहा हूँ, सिंपल अप्लाई कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब देखें कि अब जब मैं इस वीएम को कनेक्ट करता हूँ और ऑन करता हूं, तो एक बात हमेशा याद रखें, जब आप शील्डिंग ऑन कर देते हैं तो आप इस वीएम को अब यूज नहीं कर सकते कंसोल के जरिए। आप इसको रिमोट डेस्कटॉप के जरिए ही ऑन करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इस पे फिजिकल अब काम नहीं कर सकते, मतलब अगर आपका जो मिलिशियस एडमिन है वो अगर यहाँ आ भी जाता है और राइट क्लिक करता है, मशीन को कनेक्ट करता है, तो उसको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। पहली चीज वो डिमांड करेगा कि आप रिमोट डेस्कटॉप ही इनेबल करें और रिमोट डेस्कटॉप से ही इस वीएम पे क्रिएट करें या पावर शेल डायरेक्ट यूज करें, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब हम शील्ड ऑन करते हैं तो उसका कंसोल भी डिसेबल हो जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी इस वीएम को टर्न ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। अब टर्न ऑफ करके मैं करता हूं, मैं सेम काम अब करता हूं शील्डेड वीएम्स के ऊपर, ठीक है। मैं वही हाइपर वी की जो ड्राइव है उसको अटैच करता हूं, और एक मिनट, अभी ये अच्छा अभी ऑन हो रही है क्योंकि अभी इसने इनक्रिप्ट नहीं किया, ठीक है। तो अभी इसको ऑफ, सॉरी क्या कहते हैं, ऑन करते हैं और लेट इट इनक्रिप्ट द फाइल, लेट इट इनक्रिप्ट द होल वीएम, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको ज़रा इनक्रिप्ट करने दें पूरी हाइपर वी को, ठीक है, पूरी इस वीएम को। जब ये इनक्रिप्शन इसकी कर देगा, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट किया हमने, अभी हमने इनेबल किया, जब इनक्रिप्शन इसकी हो जाएगी उसके बाद अब आके हम हाइपर वी की इस वीएचडी को टेस्ट करेंगे तो नहीं होगी। तो थोड़ा वेट करते हैं इसको ऑन करके और देखते हैं कितनी देर लेता है इसको इनक्रिप्ट करने में। ओके तो अभी मैं इसको देखें, जैसे कि है मैं वीएम मेरी चल रही है, मैं इसको ज़रा शट डाउन कर रहा हूँ, और शट डाउन करने के बाद, क्योंकि हम एक बेसिक इंक्रिप्शन लेवल पे हैं, हम बेसिक सिंपल शेड्यूल्ड वीएम्स लेवल पे हैं, हमारे पास कोई क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सिनेरियो नहीं है जिसकी केस में हम होस्ट गार्डियन जो इसका होता है हम वो यूज़ करते हैं। उस केस में जो होस्ट गार्डियन होता है वो इससे इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपकी ये वीएम्स इस पे ऑन हो और इस पे ना हो। तो अभी मैं देखें, अब दोबारा हम उसमें जाते हैं, एक्शन में जाते हैं, अटैच वी एच डी करते हैं, और मैं वही वी एच डी अगर अटैच करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि अब वो वी एच डी मेरी एज अ रॉ दिखा रहा है, मतलब कि वो इनक्रिप्टेड है, मैं उसको ओपन नहीं कर सकता, फॉर्मेट करके ही ओपन होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब ये इनक्रिप्ट हो चुकी है। जब हमारे पास होस्ट गार्डियन सर्वर जो क्लाउड के केस में हम यूज़ करते हैं वो होता है एजर के केस में या प्राइवेट क्लाउड के केस में, जहाँ हमारे पास मल्टीपल हाइपरवाइजर होते हैं, तो जो होस्ट गार्डियन सर्वर होता है वो फिर प्रॉपर इसकी इनक्रिप्शन करता है, और होस्ट गार्डियन सर्वर इस चीज़ को ट्रैक करता है कि हमारी वी एम जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मूव होगी
तो उसके साथ उसकी जो कीज हैं, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी एक एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव हो, और इट विल मेक श्योर कि आपकी जो ड्राइव है या आपकी जो वीएम है वो कभी भी अगर शट डाउन हो के किसी अनऑथराइज्ड हाइपरवाइजर से ऑन हुई है तो वहां से ऑन वो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर करें जब होस्ट गार्डियन सर्वर हमारे पास होता है, तो ये चीज़ें हमारे में उस चीज़ में फ़ायदा देती हैं, ठीक है। ओके गाइज, ये तो था हमारा लेक्चर जिसके ऊपर हमने हाइपरवाइजर के अंदर शील्डेड वीएम्स के बारे में पढ़ा, हमने हाइपरवाइजर डायरेक्ट के सॉरी पावर शेल डायरेक्ट और हाइपरवाइजर नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा। ये कुछ चेंजेस थी जो सर्वर 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने की थी, ठीक है, जिसके ऊपर से हमने जो तमाम मेजर मेजर उसकी चेंजेस हैं, बाकी स्मॉल चेंजेस तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर पहले हाइपरवाइजर में 100 वीएम्स थी तो अब 120 बन सकती हैं, तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो तो आप मतलब एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो नए फीचर्स आए हैं लाइक शील्डेड वीएम्स, नैनो सर्वर, कंटेनर्स, ठीक है, पावर शेल डायरेक्ट, स्टोरेज स्पेस जो हमने पढ़ा, स्टोरेज के अंदर जो हमने डेटा डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, आईपीएम के बारे में पढ़ा, ये कुछ नए फीचर हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो था हमारा सर्वर 2016 के ऊपर 70-243 का सीरीज़। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीरीज़ तक आप सब अपना ख्याल रखें, और इस सीरीज़ में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट बार में पूछ सकते हैं, और वैसे भी जो फेसबुक पे हमारा जो ग्रुप है, सॉरी टेक्निकल डिस्कशन वाला उर्दू आईटी एकेडमी का, उसका भी मैं मेंबर हूँ, तो आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ आपके आंसर्स, आपकी क्यूरीज को मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ। ओके, तो अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।